वर्ल्ड कप खत्म हुआ, वर्ल्ड कप खत्म होते ही 5 T20 की श्रृंखला घोषित कर दी गई। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5 T20 मुकाबले खेले जाएंगे। अब इसका कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आया है। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉडकास्टर को खुश करने के लिए इस श्रृंखला का ऐलान किया है, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप के दर्द से भारतीय टीम उभरी नहीं है और वहीं पर नई श्रृंखला का आयोजन कहाँ तक सही है ये आप खुद बता दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप के बाद ये होने वाली 5 T20 श्रृंखला में स्क्वाड क्या है, कैप्टन कौन है, वाइस कैप्टन कौन है, कौन से खिलाड़ी जिनको आप चाहते थे टीम में हो बाहर हैं, क्यों बाहर हैं, साथ में लाइव स्ट्रीम कहां है, ब्रॉडकास्ट राइट किसके पास है, क्या ये हॉटस्टार पे आएगा या नहीं आएगा, साथ में जुगाड़ से कैसे देखेंगे सभी क्वालिटी में, वीडियो पे आखिरी तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवम शर्मा और स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल पे। अब तक चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब मारो फटाफट और वीडियो को एक लाइक दे ही डालो, साथ में पूरी वीडियो वॉच करिएगा, अधूरी जानकारी खतरनाक होती है मेरे दोस्त। और अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो देर ना करिए, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, ये सारी अपडेट्स टुकड़ों में करके वहां पे पहले ही दे दी जाती है, साथ में जुगाड़ से कैसे वाच करने वो भी दे देते हैं। चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी डेट को ये मैच होने वाले हैं और इनकी टाइमिंग क्या है। तो जो पहला T20 मुकाबला आप देखेंगे वो आप देखेंगे 23 तारीख को, दूसरा 26 को, तीसरा 28 को और चौथा मुकाबला 1 तारीख को देखेंगे और पांचवा मुकाबला आप 3 तारीख को देखेंगे। अब इनकी टाइमिंग की बात करें तो वही शाम के 7 बजे से मैच शुरू होंगे। पहला मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जाएगा, दूसरा तिरुवनंतपुरम में और तीसरा गुवाहाटी में और चौथा रायपुर में और पांचवा बेंगलोर में, ये इनके वेन्यू रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं स्क्वाड की, तो स्क्वाड के लिए आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ स्क्वाड दे दिया गया है। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियरली बताना चाहूँगा कि कप्तान और उपकप्तान कौन है। तो ये जो 5 मैचों की श्रृंखला होने वाली है इसमें लास्ट के 2 मैच में श्रेयस अय्यर ज्वाइन करेंगे एज ए वाइस कैप्टन, लेकिन बाकी मुकाबलों के लिए उनको रेस्ट दिया गया। जसप्रीत बुमराह यहाँ कप्तानी करते नहीं नजर आएंगे, उनको आराम दिया गया है, इसलिए कप्तानी करते आपको नजर आने वाले हैं सूर्य कुमार यादव और उपकप्तान रहने वाले हैं ऋतुराज गायकवाड़। लास्ट के 2 मैच के लिए श्रेयस अय्यर ये T20 सीरीज को ज्वाइन करेंगे, वहां उपकप्तान श्रेयस अय्यर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये जो मुकाबले होने वाले हैं इनके लाइव टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट राइट्स क्या है, कहां पे हैं, कैसे होने वाले हैं, तो उसके बारे में बात करें तो हॉटस्टार ने आपको ICC वर्ल्ड कप पूरा का पूरा दिखाया विदाउट सब्सक्रिप्शन। लेकिन इस बार ये जो 5 T20 मुकाबले होने वाले हैं ये आप हॉटस्टार पे या स्टार स्पोर्ट्स पे नहीं देख पाएंगे। तो बात आती है फिर इसको कहां देख पाएंगे, तो इसको देखने के लिए आपको जियो सिनेमा ज्वाइन करना पड़ेगा। जियो ने ब्रॉडकास्ट राइट परचेस कर लिया है और जियो पे ही आप इसे वाच कर सकते हैं। साथ में अगर आप टेलीविजन पे वाच करना चाहें तो स्टार स्पोर्ट्स से दूर हो जाइए, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स पे आप ये नहीं देख पाएंगे। अगर आपको ये देखना है, वाच करना है, तो ये आपको सिनेप्लेक्स कलर सिनेप्लेक्स टीवी चैनल पे देखने को मिलेगा। साथ में आप इसे अगर देखना चाहते हैं मोबाइल फोन में तो जियो पे आप देख सकते हैं, जियो की वेबसाइट पे देख सकते हैं। एक चैनल और आपको दिखाएगा जिसका नाम है स्पोर्ट 18। टीवी के 2 चैनल आपके यहां मिलते हैं, स्पोर्ट 18 और कलर सिनेप्लेक्स, जिस पे आप इसे वाच कर पाएंगे। मोबाइल में देखना है तो जियो सिनेमा की एप्लीकेशन पे आप देख सकते हैं, साथ में जियो सिनेमा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसे देख सकते हैं। अगर आप सभी क्वालिटी में देखना चाहते हैं, डाटा बचाना चाहते हैं, तो हमारे साथ आइए, हमारा टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में है, ज्वाइन करें, कम डाटा में सभी मैच आपको वाच कराए जाएंगे जुगाड़ के थ्रू। अब बात कर लेते हैं कि कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनको जगह नहीं मिली। भाई सबको उम्मीद थी कि इस बार भुवनेश्वर कुमार स्विंग किंग को वापस किया जाएगा, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के लिए ऐसा लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और भुवनेश्वर कुमार को पहले वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिली, उसके बाद इस T20 में भी जगह नहीं मिली है। और अगर भुवनेश्वर कुमार आपका नाम है तो आपको अब दुख होना चाहिए, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार को जगह यहां पे नहीं मिलने वाली है। दूसरे नंबर पे आते हैं संजू सैमसन, जिनको सब लोग सपोर्ट करते हैं और देखा जाए तो ईशान किशन से आंकड़े भी काफी हद तक बेहतर हैं। हां, यह अलग बात है कि ईशान किशन ने पीछे कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है। पहले जब T20 की बात आती है तो आप ईशान किशन के जगह कंपेयर करते हो और साथ में ईशान किशन को रख देते हो और वहां पर आप फिर से बिठा देते हो बाहर संजू सैमसन को। जब ODI की बात आती है तो आप T20 के फॉर्मेट में सेट करते हो। कुल मिला के आप संजू सैमसन को कहीं खिलाना नहीं चाहते हो। और तीसरे नंबर के खिलाड़ी जो आते हैं वो हैं युजवेंद्र चहल। आपका इतना अच्छा बॉलर, बहुत ज़्यादा हाई विकेट टेकिंग, लेकिन उसके 2-3 मैच खराब होने की वजह से ODI से भी हटाया, वर्ल्ड कप में नहीं आपको देखने को मिले और इस बार T20 सीरीज में भी नहीं देखने को मिले। इवन यहाँ तक सभी पुराने खिलाड़ी को रेस्ट दिया गया है, फिर भी आपने यहाँ पर इस खिलाड़ी को मौका नहीं दिया है। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखिएगा, क्या संजू सैमसन और ईशान किशन में संजू सैमसन अच्छी ऑप्शन थे या नहीं थे।
और एक चीज मैं आपसे और बताना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे गिव अवे चल रहा है और आप भी फ्री में पार्टिसिपेट करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं और टेलीग्राम से ज्वाइन होंगे वहां पर जुगाड़ भी मिल जाएगा कैसे वाच करना है, और बाकी आने वाली प्रो कबड्डी का वो सारा सेशन वहां पर आपको देखने को मिलेगा। लेजेंड क्रिकेट लीग चल रही है, उसका जुगाड़ वहां पर दिया ही जाता है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।